लेट अस सी की बात कर रहे हैं हम लोग, सी प्रोग्रामिंग की। अगला चैप्टर जो है वह है एरेज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और अगर आप इसके बाद सी के बाद सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प या बाकी लैंग्वेज पढ़ते हैं, पॉइंटर्स आगे देखेंगे, ऐसी लैंग्वेज अगर देखें पाइथन, इन सब में एरेज का बहुत बहुत ज्यादा उपयोग है। एरेज हर जगह यूज होते हैं। अब एक वेरिएबल आप बनाते हैं, एक डेटा टाइप का, उसे यूज करते हैं। मान लीजिए आपको एक से ज्यादा सिमिलर टाइप की डेटा टाइप यूज करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एरे है। एरे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और क्योंकि एरे के साथ साथ एक पॉइंटर्स की चीज भी चलती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब हम एरे देखेंगे कि बगैर कुछ बोले ही एरे अपने आप पॉइंटर्स रखता है, पॉइंटर्स से डीलिंग होती है, और पॉइंटर्स इंटरनली एरे का एक पार्ट होते हैं। व्हाट आर एरेस, एरेस क्या है? एरेस का मतलब यह है कि अगर आपके पास इस तरीके से एक प्रोग्राम है एक्स, आपने वेरिएबल एक्स दिया, एक्स को 5 की वैल्यू यहां असाइन की और एक्स को यहां 10 की वैल्यू असाइन की। अगर एक्स प्रिंट कराएंगे तो ये 10 आएगी। इस 5 का क्या हुआ, इस 5 का क्या हुआ? अब 10 आ गया इसमें, लेकिन 5 चला गया। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि इस 5 को भी हम रख सके और इस 10 को भी हम रख सके? एक वेरिएबल में हम एक से ज्यादा वैल्यू नहीं रख सकते एक बार में। एक इंस्टेंस समझिए कि उत्तर प्रदेश की आपको सारे लोगों का मान लीजिए एज रखना है, या उनके आधार नंबर रखना है। इतने सारे लोग हैं, कितने, 20 करोड़, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। कैसे करेंगे? वैसे इतना लंबा इतना बड़ा अमाउंट हम एरे में लेते नहीं है, चलिए छोटा एग्जांपल लेते हैं। 100 स्टूडेंट हैं आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में, आप चाहते हैं इनके मार्क्स परसेंटेज मार्क्स को आप किसी तरीके से रखें। दो आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप 100 वेरिएबल बनाएंगे, 100 वेरिएबल बनाइए अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए, हर एक वेरिएबल में स्टूडेंट के मार्क्स रखिए। दूसरा आपके पास तरीका है, और अच्छा तरीका जो हम आज देख रहे हैं वो है एरे। एरे में एक साथ आप ये 100 वेरिएबल रख सकते हैं। 100 वेरिएबल बनाने की जगह आप एरे में एक साथ 100 वेरिएबल रख सकते हैं। सेकंड ऑल्टरनेटिव थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर 100 अलग अलग वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। 100 वेरिएबल बनाएंगे तो कैसे नाम होगा, जैसे आपने मार्क्स लिया M1, M2, ऐसे करके आप M100 तक बनाएंगे। उसके बाद ये एरे क्योंकि सिमिलर क्वांटिटी है, कैसे, आपके मार्क्स, मार्क्स ही तो है सब में, एक सैलरी आपको रखनी है, एज रखनी है, सब सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है। आपसे अभी ये मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं कि 100 स्टूडेंट के मार्क्स भी रखने हैं, उनकी एज भी रखनी है, अभी ये नहीं, अभी फिलहाल मार्क्स रखने हैं। तो अगर आप एक ग्रुप लें और इस तरीके से परसेंटेज दें, अभी हम 100 को छोड़ के एक शुरुआत के लिए हम 5 मार्क्स लेते हैं, हमने PER लिया परसेंटेज, एक ब्रेस लगाया और यहां पर 4 मार्क्स लिख दिए, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। अभी जो 4 मार्क्स है इसमें पहला क्या बता रहा है, पहला यहां से मैं बताऊंगा आपको, ये पहले का मार्क्स है, ये दूसरे का मार्क्स है, तीसरे का मार्क्स है, चौथे का मार्क्स है, पांचवें का मार्क्स है, 5 लोगों का मार्क के मार्क्स है, ये 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स। अगर मैं इसे कहूं PER और इस तरीके से मैं बताऊं कि ये मेरा 1 क्या है, तो आप सीधा बोलेंगे कि ये तो 48 है ना। मैं आपसे पूछूं PER बताइए जरा 3, क्योंकि मैं 3 ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो आप 3 करेंगे तो आप बोलेंगे नहीं ये था 34, इस तरीके से आएगा। ये तरीका है इसको एक्सेस करने का। लेकिन अब हम थोड़ी एक और इसमें बात करेंगे, जो हमने PER किया और ये आई, इसको जनरलाइज कर देते हैं, 1, 2, 3 की जगह आई कर देते हैं। आई को हम कहते हैं कि ये वेरी कर रही है 1 से लेकर 5 तक, कोई भी वैल्यू देंगे आपको परसेंटेज आ जाएगा। अभी मैं इसको ये ना बताऊं कि 1, 2, 3, 4, 5 जीरो से शुरू होता है, हमेशा एरे का जो पहला सब्सक्रिप्ट होता है जीरो से शुरू होता है। तो अब मैं अब यहां बताना चाहूंगा कि ये थोड़ा गलत मामला हो गया, यहां 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यानी 0 से लेकर अगर आप 4 तक गए
तो आपको कितने मिले, 5 मार्क्स तो मिले। तो अब मैं आपसे अगर PR3 पूछूंगा तो आप क्या देंगे, क्या उत्तर देंगे? आप 34 नहीं देंगे, आप 23 आंसर देंगे। क्या देंगे? 23। तो सबस्क्रिप्ट एरे का हमेशा जीरो से शुरू होता है। ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जाइए, हमेशा एरे का सबस्क्रिप्ट जीरो से शुरू होता है। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है, सारे क्वेश्चन इसी पे आते हैं। दूसरी चीज, आप कहते हैं कि यहां पर आपने मार्क्स रखा, अब मैं कोई मार्क्स रखना चाहता हूं 93.5, 93.4, 82.6, क्या हम रख सकते हैं एरे में? बिल्कुल रख सकते हैं। हम फ्लोट रख सकते हैं, हम कैरेक्टर रख सकते हैं, बल्कि जो कैरेक्टर एरे होता है वो स्ट्रिंग होता है, कैरेक्टर एरे को ही हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो हम 5 इंटीजर रख सकते हैं, 5 फ्लोट्स रख सकते हैं, 5 कैरेक्टर रख सकते हैं। एक सिंपल प्रोग्राम में आपको बताना चाहूंगा एरे को लेके। एक ये प्रोग्राम है जिसमें हम एवरेज मार्क्स निकालना चाहते हैं 30 स्टूडेंट्स का किसी एक टेस्ट में। हमने शुरुआत में एक यहां पर वेरिएबल लिया और सम इक्वल टू 0 किया। इंट आई चलने देते हैं, अभी ये काउंटर के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से शुरुआत हो रही है एरे की। हमने कहा इंट, हमने कहा एरे का नाम है मार्क्स और यहां सबस्क्रिप्ट ने हमने दिया 30, ये होती है मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि 30 मार्क्स का एक एरे बनाइए। यहां पर पहला मार्क्स आएगा या दूसरा आएगा, इस तरीके से कुल मिला के 30 मार्क्स आएंगे। ये सारे मार्क्स केवल इंटीजर हो सकते हैं, केवल और केवल इंटीजर हो सकते हैं। अगर आप कुछ वैल्यू भी डालते हैं फ्लोट वगैरह, तो इंटीजर में आ जाएगा। उसके बाद जो सब्सक्रिप्ट है वो 0 से शुरू होगा, यानी अगर आपको ये पहला वैल्यू एक्सेस करना है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 23.23 रख दिया, तो लास्ट वाले मैंने 64 रख दिया, तो अगर मैं मार्क्स पहला वाला एक्सेस करना चाहता हूं तो मार्क्स 0 करेंगे, तब ये 23 आएगा। और अगर मार्क्स मैं कहता हूं लास्ट वाला लाइए तो क्या होगा, जरा सोचिए, ये क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए या 29 आना चाहिए? ये आएगा 29, क्योंकि 0 से 29 30 होता है। गिन के दीजिए, अपने उंगलियों पे गिनेंगे आपको 30 मिलेगा, तो ये 64 आएगा। तो आप यहां से 0 से लेकर 29 तक जाएंगे, इसलिए हमने इसको 0 से लेकर 29 तक कहा। हम 0 से 29 ही करेंगे क्योंकि हम यहां पर सबस्क्रिप्ट आई ले रहे हैं, और जैसे मैंने बताया सबस्क्रिप्ट आई जो है वो 0 से वैल्यू शुरू करता है, इसलिए हमने 0 से 29 लिया। आप ये एक आपका जरूर एक ऑब्जर्वेशन होगा कि हम 1 से लेकर 31 तक क्यों नहीं लेते, 1 से लेकर 30 तक क्यों नहीं लेते? ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। ये जब हमने एरे देखा तो हमारे दिमाग में भी यही सवाल आया, वो इसलिए ये क्यों नहीं लेते हैं, क्यों? अगर आप 1 से लेकर 30 तक लेंगे तो 0 से शुरू होता है सबस्क्रिप्ट, और 30 पे जाते ही आप आउट ऑफ बाउंड हो जाएंगे, यानी कि 0 से लेकर 29 आप गए, क्योंकि एरे की वैल्यू 0 से लेकर 29 तक दिखाई जाती है, लेकिन जैसे आप 30 पर पहुंचे आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, एरर आ जाएगा। इसीलिए हम 0 से शुरू करते हैं, क्योंकि ये हमेशा 0 से शुरू होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 0 से लेकर 29 तक ही जा रहे हैं, मार्क्स हमने एंटर करा लिए स्कैनर से, हर एक मार्क्स को हम सम में एंटर करा रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, और सम बाय 30 कर दे रहे हैं, एवरेज मार्क्स प्रिंट कर दे रहे हैं। ये प्रोग्राम आपको अच्छी तरीके से पता है, इसमें कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं है। स्पेशल किसमें, इसमें एक ही बात है कि आप ये एरे ले रहे हैं और इस एरे में ही वैल्यू एंटर करा रहे हैं, और उसके बाद हम 0 से 29, फिर हम 0 से 29 करेंगे, और फिर जो मार्क्स एंटर हुए हैं उसको सम में जोड़ रहे हैं, सम 0 से शुरुआत की हमने, हर एक सम जुड़ जाएगा, और उसके बाद सबका सम आ जाएगा 30 से 30 का, और डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो कुछ चीजें इसमें ध्यान देने योग्य है। सबसे पहले एरे डिक्लेरेशन, इसमें हमने क्या किया कि इंट, ये इंटीजर टाइप एरे है, एरे का नाम मार्क्स है, और इसमें 30 एलिमेंट्स रखे जाएंगे जो कि इंटीजर टाइप के होंगे। ये केवल इंटीजर टाइप के हो सकते हैं और कुछ नहीं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने रखा, ये 30 बता रहा है कि मैक्सिमम 30 तक जाएंगे, इसको हम कहते हैं डायमेंशन, एरे की डायमेंशन। क्या कहते हैं? एरे की डायमेंशन। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये एरे हो गया, इसको बताने का तरीका यही है कि ये एरे है। अब एलिमेंट को एक्सेस करना, क्योंकि सबस्क्रिप्ट से एंटर होगा या सबस्क्रिप्ट से हम इसे एक्सेस करेंगे, शुरुआत करेंगे 0 से, ये यानी कि मार्क्स 2 का मतलब हो रहा है हम तीसरी वैल्यू पे पहुंच गए, क्योंकि हमने 0 से शुरुआत की है। 0, 1, 2, 3 कितने नंबर पे पहुंच गए? 1, 2, 3 तीसरे नंबर पे पहुंच गए। तो जब मार्क्स 2 मतलब हम तीसरे नंबर पे पहुंच गए। ध्यान रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजन करेगा आगे, इसलिए अगर इसको यहीं पे आप समझ लें तो आगे बहुत आसानी होगी कि आई हमेशा सब्सक्रिप्ट 0 से शुरू होता है, हमेशा 0 से।
जैसे हम डेटा एंटर कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, तो हम 0 से लेकर 29 तक कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं 0 से। एक यूजर से मार्क्स मांगेंगे, इसके 0 में रख देंगे, यानी कि मार्क्स 0 पे पहली वैल्यू जाएगी, ऐसी 1 पे दूसरी वैल्यू जाएगी, ऐसी 2 पे तीसरी वैल्यू जाएगी, और इसी तरीके से ये 29 पे लास्ट वैल्यू जाएगी। 30 तक हम नहीं जाते क्योंकि 0 से शुरुआत हुई है। ये मार्क्स हो गया एंटर स्कैनफ करके। ये फॉर लूप हमको, क्योंकि एरे 30 वैल्यूज का है, हम एरे फॉर को 30 बार चलाना चाहते हैं ताकि सबके मार्क्स हम एंटर कर सके। 0 से शुरुआत करते हैं, हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि हमारा सबस्क्रिप्ट हमेशा 0 से शुरू होता है, 1 से नहीं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत आगे दिक्कत करता है, मैं इसको बार बार बताना चाहूंगा आपको, आपके दिमाग में बैठ जाए कि 0 से शुरुआत करते हैं, 1 से नहीं। जो आखिरी वैल्यू होती है वो हमेशा n-1 होती है। अगर 30 एरे का डायमेंशन 30 है तो आप केवल 29 तक चलाएंगे, एरे का डायमेंशन 100 तक है तो 99 तक चलाएंगे, एरे का डायमेंशन 1000 तक है तो 999 तक चलाएंगे। इसके बाद स्कैनफ है, यानी आप एड्रेस बता रहे हैं। अब एड्रेस जैसे आप यूज करते हैं, तो जैसे नॉर्मल एड्रेस यूज करते हैं, क्योंकि मार्क्स आई कोई भी एक सब्सक्रिप्ट जो नंबर है वो नंबर आएगा इसमें या मार्क्स आएगा, एम्परसेंड करते ही आप उसको बता रहे हैं कि इस एड्रेस पर रख दीजिए। वो एड्रेस क्या है? एरे जो होता है वो कंटिग्यूस मेमोरी होता है। एरेज कंटिन्यूस मेमोरी का मतलब यह है, पहले एलिमेंट के जस्ट बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, कोई भी गैप नहीं होगा मेमोरी में, छितरे या फिर फैले हुए नहीं पड़े होंगे, हमेशा ये एक के बाद एक होंगे, हमेशा एरे कंटिग्यूस मेमोरी में ही होता है, ये कभी भी स्पार्स तरीके से नहीं होता है। अब एरे आपने बना लिया, एरे में वैल्यू भी डाल दी, अब एरे से डेटा रीड करना है। रीड करने के लिए फिर से आपको 30 वैल्यूज रीड करनी है, तो अगेन हम एक फॉर का लूप चलाएंगे। फॉर का लूप चलाने पर अब हम कंप्यूटेशन करेंगे सम का। सम का कैसे करेंगे? 0 से लेकर 29 तक पहुंचेंगे, हर एक सम में, क्योंकि सम की शुरुआत हम 0 से कर रहे हैं, तो पहली वैल्यू जो आएगी वहां ये 0 होगा, पहली वैल्यू आएगी यानी कि आई 0, जो एरे में पहली वैल्यू रखी है वो यहां पर जाएगी, सम के साथ ऐड होगी, सम को असाइन हो जाएगी। फिर आप दोबारा जाएंगे 1 पे, तो पहली वैल्यू उठाएगा ये 1 वाली, यहां लेगा, और सम के पास क्योंकि ये वाली वैल्यू थी अभी पहली वाली, ये दूसरी जोड़ेगा और फिर सम में रख देगा। ये बार बार करता चलेगा ताकि सम में सारी वैल्यूज ऐड हो जाए। फिर जो फाइनल सम आया, क्योंकि ये शुरुआत से 0 से लेकर 29 तक वैल्यू सारी आपने लेके ऐड कर दी फॉर लूप से, उसके बाद आपने डिवाइड किया 30 से, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, कितने नंबर हैं 30, और उसके बाद आपने इसे प्रिंट कर दिया एवीजी को। क्या हमने देखा, इसको दोबारा जानना बहुत जरूरी है। एरे हमेशा सिमिलर एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, एरे में आप मल्टीपल वैल्यूज नहीं रख सकते, यानी यहां अगर आपने इंट एरे डिफाइन किया है तो इंटीजर वैल्यूज ही आएंगी, फ्लोट किया है तो फ्लोट वैल्यू ही आएंगी, कैरेक्टर किया है तो कैरेक्टर ही वैल्यू आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि फ्लोट और इंटीजर वैल्यू आ जाए एक साथ, कभी नहीं हो सकता। इसको हम आगे देखेंगे, हमारे पास स्ट्रक्चर है, और भी हमारे पास जो आज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे पाइथन वगैरह है, उसमें आप एक ही एरे में बहुत सारी चीज रख सकते हैं, अलग अलग टाइप की वैल्यू रख सकते हैं। फिलहाल हम सी की बात कर रहे हैं। पहला एलिमेंट जो एरे का है वो हमेशा 0 से शुरुआत होता है, इसकी सबस्क्रिप्ट हमेशा 0 से करेंगे, इसका मतलब लास्ट एलिमेंट हमेशा एक कम होगा, साइज जो है होगा एरे हमेशा जो भी साइज होगा या डायमेंशन होगी साइज माइनस 1 होगा लास्ट एलिमेंट। एरे इसको हम सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल भी बोलते हैं, क्योंकि हम वेरिएबल ही तो ले रहे हैं, हमारे पास 30 वेरिएबल है। किसी भी एरे को यूज करने से पहले उसका टाइप और डायमेंशन आपको बताना पड़ता है, बगैर टाइप और डायमेंशन के एरे डिक्लेयर या डिफाइन नहीं होगा। एरे को हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, उसके बाद उसके बारे में बात हम करेंगे। अब कितना बड़ा एरे है ये पूरी तरह डिपेंड करता है मेमोरी की साइज क्या है, क्योंकि ये कंटिग्यूस मेमोरी में होता है, कंटिग्यूस मतलब एक के बाद एक, ऐसा नहीं होगा कि तीसरा एलिमेंट 1, 2, 3 एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट कहीं और रखा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, चौथा इसके बाद ही होगा, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, कंटिग्यूस मेमोरी में होता है। एरे बहुत पॉपुलर डेटा टाइप है, सी प्रोग्रामिंग का नहीं, मैं क्योंकि आप सी प्रोग्रामिंग देख रहे हैं, लेकिन बाकी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है एरे उसका वाइटल पार्ट है, क्योंकि ये जो कन्वीनियंस देता है आपको, आपको बहुत सारे वेरिएबल नहीं बनाने पड़ेंगे, एक ही बार में आप इसे यूज कर सकते हैं। एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं? जब एरे आप शुरुआत करते हैं, आप एरे बनाएंगे, आप चाहते हैं कि इसको मैं पहले ही कुछ वैल्यू दे दूं, तो उसका तरीका ये है कि उसके तरीके में सबसे पहले आप यहां एरे का टाइप लिखेंगे, नाम लिखेंगे, जैसे आपको पता है 6 नंबर डालने हैं, तो आप यहां 6 लिख सकते हैं,
लेकिन अगर आपको पता नहीं है कितने डालने, ये आप इसे नहीं लिखना चाहते, आप चाहते हैं कि ये जो n है ये अपने आप ले ले कितने एलिमेंट लिए, तो आप बगैर यहां पर वैल्यू दिए हुए, डायमेंशन दिए हुए, आप पूरे वैल्यू लिख सकते हैं, अपने आप ये ले लेगा, तो इसके अंदर देने की जरूरत नहीं है, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको रख भी सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। जैसे आपने यहां पर फ्लोट लिया, फ्लोट को इनिशियलाइज करने का क्या तरीका है, बिल्कुल सेम तरीका है, इंटीजर की तरह फ्लोट दीजिए, यहां पर नाम लिखिए, इसकी जगह छोड़ दीजिए, चाहे तो रख भी दीजिए, ये आपकी मर्जी है, रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं, यहां पर आप अपनी फ्लोट वैल्यूज देंगे। जब तक आपके पास एरे के एलिमेंट नहीं दिए जाते उसमें गार्बेज वैल्यू होती है, इनिशियलाइज नहीं किया या फिर ऐसे ही छोड़ा हुआ है बगैर इनिशियलाइज के या यूज उसमें वैल्यू दी, अगर आप यूज करते हैं तो गार्बेज वैल्यू आएगी, ऐसी वैल्यू जिससे आपको वास्ता नहीं है। अगर अरे को आपने वही इनिशियलाइज किया जहां उसे डिक्लेयर किया, तो जो डायमेंशन है ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। एरे एलिमेंट्स इन मेमोरी, अब ये मेमोरी में कैसे होते हैं, एरे का एलिमेंट मेमोरी में कैसे दिखाई देते हैं, कैसे होते, जैसे आपने कहा इंट ARR8, होता क्या है इसमें, इसमें होता ये है, जैसे आपने ये किया, अगर मान लीजिए आपका एक इंटीजर एक वेरिएबल 2 बाइट का है, टर्बो सी C++ कंपाइलर की बात करेंगे, कई जगह इंटीजर 4 बाइट्स होते हैं, हम 2 से शुरुआत करते हैं, अब 2 बाइट लेगा ये एक एरे एक इंटीजर, तो कितने यहां पर 8 वेरिएबल है, एरे में 8 एलिमेंट है, एक जो लेता है 2 बाइट लेता है, कुल मिला के कितने लेगा 16। अगर आप कहते हैं मेरा एरे मेरा जो इंटीजर है वो 4 बाइट का है, तो 8×4 करेंगे यानी कि ये मेमोरी में 32 बाइट लेगा, ओके। और हम ये मान रहे हैं कि इसके आगे ऑटो लगा हुआ है, क्योंकि कुछ नहीं होता है तो ऑटो होता है, यदि तो आपने इसको स्टैटिक कर दिया तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप इसमें 0 वैल्यू आ जाएगी, अपने आप स्टैटिक करते ही 0 वैल्यू आ जाएगी, कोई इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं। अरेंजमेंट इसका मैं आपको बताता हूं, ये आपका एरे है, एरे में कुछ वैल्यू रखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका इंट टाइप है, एरे अपना नाम दे दिया और 8 वैल्यूज रख दी इसमें, हर एक का एक एड्रेस है, हर एक का एड्रेस है, लेकिन इस एड्रेस के बीच में डिफरेंस देखिए, मैं कहता हूं 2 बाइट की मेरा 2 बाइट का इंटीजर है, इसके और इसके बीच में 2 बाइट का डिफरेंस है, देखिए इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे 2 आएगा, यानी कि 2 बाइट यहां से यहां तक 2 बाइट फिर 2 बाइट, ऐसे 2 बाइट की जगह कंटिग्यूअस मेमोरी में एक साथ एलोकेट कर दी जाएगी। बाउंड चेकिंग, सी में कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है कि आप बाउंड चेक करें, मेरा यह कहना है कि अगर आपने इंटीजर दिया ARR और 8 का साइज दिया और आपने इसकी 8वीं वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश की, वो तो होती नहीं है क्योंकि 0 से शुरू होता है, क्या 7 तक जाएगा ये, अगर आप 9वें वैल्यू में कुछ रखना चाहें तो क्या होगा, तो वो आपकी जो मेमोरी है उसके बाहर आप एक्सेस कर रहे हैं या बाहर आप कुछ रखने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर क्योंकि सी में पॉसिबिलिटी नहीं है तो अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट आएंगे आपको, आपको एरे आउट ऑफ बाउंड एरर इस तरीके से चीजें आएंगी और आपका प्रोग्राम जो है मिसबिहेव करेगा। जैसे आपने कहा num 10 num 40 और आप चाह रहे हैं 0 से लेकर 100 तक 40 तक आपने दिया हुआ है, यानी आपके पास 0 से लेकर 39 तक केवल लोकेशन है मेमोरी में, आप चाह रहे हैं कि 40 के भी ऊपर निकल के आप 100 तक एक्सेस करना चाह रहे हैं, ये आपके पास है ही नहीं, दिस इज नॉट अवेलेबल टू यू, तो ये सुसाइडल एक्टिविटी है, आपके प्रोग्राम को खराब करेगा ये। तो एरे के एक बाउंड होता है, उस बाउंड को चेक करना, उस बाउंड के आगे ना जाना या उसके अंदर रहना, उसकी परिधि में रहना, ये आपका काम है, ये हमारा आपका एज अ प्रोग्रामर काम है। आप एरे एलिमेंट फंक्शन में पास करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, एरे एलिमेंट जैसे हम वैल्यू की तरह भेजते हैं या रेफरेंस की तरह भेजते हैं कोई भी आर्ग्यूमेंट फंक्शन में, वैसे हम एरे भी भेज सकते हैं, जहां हम कॉल बाय वैल्यू करेंगे तो हम सिंपल एलिमेंट भेज रहे हैं फंक्शन को जिसकी कॉपी जा रही है, जब हम रेफरेंस भेजेंगे तो एक्चुअल एरे की लोकेशन भेज रहे हैं। मैं इसका तरीका बताता हूं, कॉल बाय वैल्यू मतलब यह है कि आपने कहा कि मैंने मार्क्स बनाया, इसको इनिशियलाइज कर दिया, मेरे पास कितनी वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7 7 वैल्यूज है, तो 7 है तो 0 से शुरू होगा तो 6 तक जाएगा 7-1, तो 0 से लेकर 6 तक हम जाएंगे
और लेस देन इक्वल टू 6 है, और डिस्प्ले में ये हमने पूरा का पूरा एरे भेज दिया, सीधा मार्क्स आई भेज दिया। डिस्प्ले में क्या होगा, ये आपको वैल्यू शो करेगा, एक एक करके वैल्यू शो करेगा। अगर इसके अंदर प्रिंट एफ है तो शो करेगा, बाहर यहां पर प्रिंट एफ दिया हुआ है तो शो नहीं करेगा। आउटपुट ये हो गया। हम यहां पर कॉल बैक वैल्यू का यूज कर रहे हैं। अब हर बार में एक वैल्यू जाती है, जैसे एम की वैल्यू चेंज होती रहती है लूप के हिसाब से, हर बार एक वैल्यू जाती है। अब इसी को कॉल बाय रेफरेंस के तहत देखते हैं। हमने क्या किया, सेम काम किया, एक मेन लिखा, आई वेरिएबल लिया लूपिंग के लिए, एक एरे डिफाइन किया और डिफाइन के साथ डिक्लेयर के साथ डिफाइन भी कर दिया, यानी उसकी इनिशियल वैल्यू दे दी, 0 से 6 तक गए, और आप डिस्प करके यहां पर मार्क्स की जगह एम्परसेंट भेज दिया, यानी आपने कहा ये मेरा एरे है, मैं एम्परसेंट भेज रहा हूं, मतलब ये लोकेशन भेज रहा हूं, आप इस लोकेशन की वैल्यूज को चेंज करिए। अब जब ये एड्रेस भेजेंगे तो एड्रेस क्या होता है, एड्रेस को लेने के लिए आप पॉइंटर रखना पड़ेगा, यहां पर स्टार एन करके पॉइंटर बना दिया, और हर बार ये स्टार एन वैल्यू एट दिस एन, हर बार ये वैल्यू शो करेगा, हर बार ये वैल्यू शो करेगा, तो ये आपका आउटपुट आएगा। तो पासिंग जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं, हर बार एड्रेस जा रहा है हर एक वैल्यू का, तो वैल्यू और उसके बाद शो जब कर रहे हैं उसको, तो वैल्यू एट एड्रेस से कर रहे हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, हमने देखा कि कैसे हम कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस से भेज सकते हैं। अब एक और चीज देखिए, इसमें हमने कहा कि एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया, उसके अंदर आप एक पॉइंटर लिया, शो एम्परसेंड एन किया। जैसे आप करेंगे, मैं इसको पहले, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को आप जरूर रन कराएं कि ये क्या देने वाला है, और मैं आपको हिंट देता हूं कि एम्परसेंड एन का मतलब ये होता है, क्योंकि यहां पर ये एरे जो है एज अ वेरिएबल तो ट्रीट हो रहा है, आप एक वेरिएबल भेज रहे हैं और उसकी उस कि आप उसका और एड्रेस प्रिंट कराना चाह रहे, क्या ये इसका एड्रेस प्रिंट होगा, क्या ये इसका एड्रेस प्रिंट होगा। देखिए इस प्रोग्राम को जरूर चलाइए, इस पे दोबारा। तो ये हमने पहला डिस्कशन लिया, अभी हम और भी बात करेंगे एरे की, बहुत बढ़िया बहुत इजी टॉपिक है,